हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल एथिकल शर्मा जी। सो आज के वीडियो में हम करेंगे पिंग कमांड, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट कमांड है अगर आपको पता लगाना है कि एक डिवाइस एक नेटवर्क में रीचेबल है या नहीं है, जो रिमोट डिवाइस भी हो सकता है। ठीक है, तो उसकी रीचेबिलिटी के लिए हम पिंग कमांड का यूज़ करते हैं और पिंग स्वीप भी होता है। तो हम देखेंगे इस कमांड को कौन से प्रोटोकॉल पर ये काम करता है और इस ट्राई हैक मी के ज़रिए हम देखेंगे, इसको जानेंगे कि इसमें और क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो अगर आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर देना, सो दैट आपको फर्दर जो वीडियोस आएंगी उसकी नोटिफिकेशन मिले। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो ये कह रहा है, एट दिस स्टेज होपफुली ऑल ऑफ द थ्योरी हैज़ मेड सेंस एंड नाउ यू अंडरस्टैंड द बेसिक मॉडल्स बिहाइंड कंप्यूटर नेटवर्किंग। हाँ ठीक है, तो ये कह रहा है कि आई एम गोइंग टू अज्यूम दैट यू आर रनिंग लिनक्स फॉर द रेस्ट ऑफ दिस रूम। ठीक है, तो पिंग कमांड किस लिए यूज़ होती है? जैसे मैंने आपको बताया कि कनेक्शन टू अ रिमोट रिसोर्स पॉसिबल है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए पिंग कमांड यूज़ होती है। तो यूजुअली क्या होता है, जैसे कोई वेबसाइट है, जैसे google.com है, अगर हम उसको एक्सेस कर सकते हैं या नहीं कर सकते, उसको चेक करना है तो हम पिंग करके देख सकते हैं उसको। ठीक है, या फिर कोई कंप्यूटर हो सकता है आपके होम नेटवर्क पे, जिसको आपको चेक करना है कि वो करेक्टली कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है नेटवर्किंग में। ठीक है, तो पिंग कौन से प्रोटोकॉल को यूज़ करता है? वो करता है ICMP प्रोटोकॉल। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि पिंग कमांड कौन से प्रोटोकॉल को यूज़ करता है? ICMP प्रोटोकॉल को, विच इज़ इंटरनेट कंट्रोल मैसेज प्रोटोकॉल। तो ये एक TCP/IP का ही प्रोटोकॉल है, ICMP प्रोटोकॉल। ठीक है, और ये नेटवर्क लेयर पर काम करता है। कई बार इंटरव्यू में पूछ सकते हैं कि आपका ये जो पिंग कमांड है, ये OSI मॉडल की कौन सी लेयर पे काम करती है? तो ये नेटवर्क लेयर पे है इसका आंसर। ठीक है, तो उसका बेसिक सिंटेक्स क्या होता है? पिंग और फिर या तो IP या फिर डोमेन नेम। ठीक है, विदाउट एनी HTTP प्रोटोकॉल आप या तो पिंग के बाद IP लिखोगे या फिर DNS। ठीक है, तो अब क्या होता है कि अगर मैं इसको देखूं, ये देखो ping google.com, तो इसमें क्या आएगा? एक IP एड्रेस रिटर्न होगा। ठीक है, तो ये बता रहा है कि जो गूगल का जो सर्वर है, कौन से सर्वर की जो उसकी IP है वो बता देगा। जैसे google.com है तो उसका जो वेब सर्वर होगा उसकी ये IP बता देगा आपको। ठीक है, तो इसका एक पिंग का जो सेकेंड यूज़ है वो ये होता है कि अगर आपको किसी वेबसाइट की आपको IP निकालनी है तो आप वो भी इसके ज़रिए निकाल सकते हो। ठीक है, जो सर्वर होस्ट कर रहा है उस वेबसाइट को, उसकी IP निकाल सकते हो। ओके, तो ये जितने भी नेटवर्क इनेबल डिवाइसेस होते हैं सबके लिए ये यूबिक्विस है, दैट मीन्स यूज़ हो सकता है। ठीक है, तो क्या करते हैं, एक बारी मैं आपको इसका डेमोन्स्ट्रेशन दिखा देता हूँ। लेट्स से देखो, गूगल का तो इसमें दिखाया ही हुआ है, मैं कर देता हूँ आपका bing.com। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक, ये देखो कंट्रोल सी इसको स्टॉप करने के लिए, नहीं तो ये चलता रहेगा। तो देखो इसने IP दे दिया, ये देखो। ठीक है, मैंने पिंग करके देखा, जैसे ही ICMP रिस्पॉन्स आने लग जाए, दैट मीन्स ये वेबसाइट अप है। अगर मान लो मैं कोई वेबसाइट गलत टाइप कर दूँ, bing.cccom, तो ये मैंने गलत टाइप करा है, तो देखो नेम और सर्विस नॉट नोन आ जाएगा। ठीक है, अगर रीचेबल नहीं होगा, नाम सही होगा और रीचेबल नहीं होगा, तो फिर ये ICMP सीक्वेंस नहीं आएगा, वो खाली ये यहाँ तक ऐसे आता रहेगा, वॉइड्स ऑफ डेटा, और वो लॉस में दिखा देगा। ठीक है, तो इसका एक बारी मैन पेज देख लेते हैं पिंग का। ये देखो काफ़ी सारे हैं इसमें चीज़ें। ये देखो, अगर आपको IPv4 एड्रेस खाली यूज़ करना है तो -4 होता है, -6 IPv6 के लिए होता है। ठीक है, तो इसमें काफ़ी सारी चीज़ें दे रखी हैं, कितने इंटरवल पे करना है, अगर आपको मार्क करना है पैकेट्स को, मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। न्यूमेरिक आउटपुट है, अगर आपको बहुत सारे पैटर्न है। ठीक है, और TTL है, जो टाइम टू लिव होता है उसको सेट करना है, वर्बोज आउटपुट देना है, तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ICMP पैकेट, या आप इसको गो थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, तो अब करते हैं क्वेश्चंस।
What command would you use to ping the bbc.co.uk website? तो सिंपल है, ping space bbc.co.uk. ठीक है. What is the IPv4 address? अब इसका हमें IPv4 address निकालना है. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हम निकाल लेते हैं. इसको मैं कर देता हूँ कॉपी, इसको मैं कर देता हूँ क्विट, इसको मैं कर देता हूँ कंट्रोल एल, पिंग कंट्रोल शिफ्ट वी कंट्रोल सी. ये देखो आईपी निकला है इसका, कॉपी वी सबमिट, करेक्ट. व्हाट स्विच लेट्स यू चेंज द इंटरवल ऑफ सेंट पिंग रिक्वेस्ट? अब देखो इंटरवल कौन सा ऐसा स्विच होता है आपका पिंग कमांड का जो कि आप जिससे इंटरवल चेंज कर सकते हो. तो ये हमें कहाँ मिलेगा? ये हमें मिलेगा इसके मैन पेज में, तो मैन पिंग. ठीक है, तो इसमें कहीं इंटरवल है, ये देखो हाइफन आई, तो इसमें हम हाइफन आई लिख देंगे, सबमिट, करेक्ट. व्हाट स्विच वुड अलाउ यू टू रिस्ट्रिक्ट रिक्वेस्ट टू IPv4? ये था हाइफन 4, हमने देखा था शुरू में ही. ठीक है, व्हाट स्विच वुड गिव यू अ मोर वर्बोज आउटपुट? मोर वर्बोज आउटपुट के लिए क्या था? देखो हाइफन वी था एंड में, हमने देखा था ये रहा हाइफन स्मॉल वी. तो पिंग कमांड में इतना ही था. वैसे मैं आपको एक चीज एडिशनल बता देता हूं जो कि इंपॉर्टेंट है. देखो अगर एक होता है इसका स्विच होता है हाइफन ए, जो कि और ज़्यादा डिटेल देता है. कई बार आईपी इससे भी निकाल सकते हैं हम. ये देखो ये थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल दे देता है. ठीक है, एक होता है पिंग हाइफन सी. अब क्या होता है देखो, अगर मैं खाली पिंग google.com करूँगा, ये मैं आपको एडिशनल चीज़ें बता रहा हूँ जो कि आपके काम आ सकती हैं. अब देखो अगर मैं इसको छोड़ दूँ तो ICMP रिस्पॉन्स आते रहेंगे. फिर मुझे इसको एग्जिट करने के लिए कंट्रोल सी दबाना पड़ता, राइट. पर अगर मैं इसके काउंट को लिमिट कर दूं कि भाई 3 ही पैकेट्स जाएं किसको, google.com को, खाली 3 ही पैकेट्स रिसीव हों, तो देखो 1, 2 एंड 3, ये देखो खाली ही 3 ही पैकेट्स गए, मतलब 3 ही पैकेट्स उसने रिस्पॉन्स आया, 3 ही पैकेट का रिसीव हुए और उसके बाद उसने बंद कर दिया, नहीं तो ये चलता रहता. ठीक है, तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है. तो बस आज के वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम करेंगे ट्रेस रूट कमांड को. तब तक के लिए स्टे ट्यून, कीप लर्निंग, बाय बाय.